मॉडर्न विद्या मंदिर स्कूल पलवल क्लास 7 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1 डिवाइड मीन्स यहाँ पे डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3/15/6/5। देखो जो हमारा ऑफ मीन्स आता है ना, जैसे कि टू नंबर्स के बीच में ऑफ आता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जब टू नंबर्स के बीच में बाय आता है तो मीन्स डिवाइड। तो देखो अब इसको बाय को रिप्लेस करेंगे तो हमारा वो आएगा 13/15/6/5 तो मीन्स इन पहले जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो मीन्स सेकंड का रेसिप्रोकल कर देंगे मीन्स अपोजिट, और रेसिप्रोकल मीन्स उसका वो जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर में चेंज कर देंगे और न्यूमिनेटर उसको डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे। जैसे 6/5 है इसका रेसिप्रोकल होगा 5/6। 13/15 × 5/6 तो मीन्स 5 की टेबल में 15 आता है तो 3 नंबर पे तो हमारा आंसर आएगा 13/18। सेकेंड पार्ट है हमारे 7/13/6 तो देखो यहाँ पे बाई को रिप्लेस करेंगे मीन्स डिवाइड आएगा साइन, फिर जो हमारा 6 है ना उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/6। 7/13 × 1/6 तो मीन्स यहाँ पे 2 नंबर से इनमें कोई डिवाइड नहीं हो रहा तो हमारा टोटल आंसर आएगा 7/78। थर्ड पार्ट है हमारा 8/9/2/3 तो मीन्स बाई को रिप्लेस करेंगे डिवाइड 8/9/2/3 तो मीन्स अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो रेसिप्रोकल करना होगा 2/3 का, तो रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2। 8/9 × 3/2 तो मीन्स यहाँ पे टेबल्स आपस में कट रही है, 2 की टेबल्स में 8 आता है 4 नंबर पे कट रहा है, 3 की टेबल्स में 9 आता है 3 नंबर पे कट रहा है तो मीन्स हमारा टोटल आंसर कितना आ रहा है 4/3। फोर्थ पार्ट है हमारा 8/6/11 तो बाय को रिप्लेस करेंगे तो मीन्स डिवाइड आएगा 8/6/11। 6/11 का अपोजिट मीन्स रेसिप्रोकल क्या होता है 8/11/6। 6 और 8 दोनों एक टेबल में आते हैं, किस टेबल में 2 की टेबल में, 2 से वो करेंगे मतलब कि डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 8 पे मतलब कि जो 8 है वो 4 नंबर पे कट हो रहा है, 6 है हमारा 3 नंबर पे तो मींस हमारा आंसर आएगा 44/3 मींस 44/3। फिफ्थ पार्ट है हमारा 4 and 8/9/3 and 2/3 यहां पे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले तो बाय को रिप्लेस करेंगे, फिर मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स 4 and 8/9/3 and 2/3 तो मीन्स यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मीन्स हमारा आंसर आएगा 44/9/11/3 तो मीन्स यहाँ पे जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो मीन्स सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल कर देते हैं 44/9 × 3/11 11 से 44 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 3 की टेबल में 9 3 नंबर पे आता है तो मींस हमारा आंसर आएगा 4/3। क्वेश्चन 2 है हमारे सिंपलीफाई द फॉलोइंग, इनको हमें सिंपलीफाई करना है 9/10 / 3/5 जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो मींस सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे 9/10 × 5/3 तो 3 की टेबल में 9 किस नंबर पे आता है 3 पर, 5 की टेबल में 10 किस नंबर पे आता है 2 तो हमारा आंसर आएगा 3/2। सेकेंड पार्ट है हमारा 8/11/24 तो मीन्स डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल 24 का रेसिप्रोकल होता है 1/24। 8/11 × 1/24 8 की टेबल में 24 किस नंबर पे आता है 3 पे तो हमारा आंसर आएगा 1/33। थर्ड वाला पार्ट है हमारा 4 and 5/7 / 1 and 1/10 तो देखो यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33/7 / 11/10। अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो मीन्स सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल 11/10 का रेसिप्रोकल क्या होता है 10/11 तो हमारे 33/7 × 10/11 11 के टेबल में 33 नंबर्स पे आता है तो हमारा आंसर आएगा 30/7। फोर्थ पार्ट है हमारा 2 and 2/7 / 8/21 तो देखो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16/7 / 8/21 और डिवाइड को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई में तो मीन सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल 8/21 का रेसिप्रोकल क्या होता है 21/8। 16/7 / 21/8 8 की टेबल में 16 आता है 7 की टेबल में 21 आता है तो हमारा आंसर आएगा 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6।
फिफ्थ वाला पार्ट है हमारा 15 एंड 3 अपॉन 7 डिवाइड 1 एंड 23 अपॉन 49। तो मींस यहां पे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो मींस जब हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 108 अपॉन 7 डिवाइड 72 अपॉन 49। तो मींस जब हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल 72 अपॉन 49 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 49 अपॉन 72। 108 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 49 अपॉन 72। तो मींस यहां पे टेबल से 108 और 72 एक टेबल से कट हो रहा है 12 की टेबल से, और 7 और 49 ये 7 की टेबल में 49 आता है। तो हमारा आंसर आया 63/6। बट 63/6 है ना, ये हमारे एक टेबल से और कट हो रहे हैं, ये हो रहा है 3 की टेबल से। तो हमारा आंसर आएगा 21/2। क्वेश्चन 3 है हमारा, प्रदीप बॉथ 5 एंड 1 अपॉन 2 केजी शुगर 4 आर एस 70 एंड 1 अपॉन 8 फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम। तो मींस प्राइस ऑफ 5 एंड 1 अपॉन 2 केजी शुगर, हमें 5 एंड 1 अपॉन 2 केजी शुगर का प्राइस दिया हुआ है, कितना है हमारा 17 एंड 1 अपॉन 8 रुपीस। 1 केजी के लिए क्या करेंगे, डिवाइड 70 एंड 1 अपॉन 8 डिवाइड 5 एंड 1 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, हमारा आंसर आएगा 561 अपॉन 8 डिवाइड 11/2। तो मींस पहले जो हमें डिवाइड दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 561 बाई 8 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 11। तो मींस 561 को 11 की टेबल में डिवाइड करेंगे तो पूरा कट होता है, और जो 2 के टेबल में 8 भी पूरा कट होता है, हमारा आंसर आएगा 51/4। बट हमें जो क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आंसर में भी हम मिक्स फ्रैक्शन में देंगे। तो मींस 4 के टेबल में 51 से लेस 12 पे आता है 48, मींस 51 में 3 कम मतलब कि वो होता है कम होता है, मींस 3/4 12 एंड 3/4 प्राइस ऑफ 1 केजी शुगर कितनी होगी रुपीज 12 एंड 3/4। क्वेश्चन 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15 एंड 5/6, इफ वन ऑफ द नंबर इज 16 1/3 फाइंड द अदर नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया हुआ है हमें 15 एंड 5/6, और ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या आएगा हमारा 95/6। फर्स्ट नंबर है हमारे 6 एंड 1/3, ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या होगा 19/3। अदर्स नंबर के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन फर्स्ट नंबर ये करना होगा। तो मींस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है हमारा 95/6 अपॉन में मींस जो नीचे होता है वो होता है डिवाइड में, तो मींस डिवाइड हम डायरेक्ट जब हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो डिवाइड का साइन लगा देते हैं बीच में, तो डिवाइड 19/3। तो देखो जी हमें डिवाइड में दिया हुआ है तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, 95/6 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3/19। और 19 की टेबल में 95 आता है 5 नंबर पे, और 3 की टेबल में 6 किस नंबर पे आता है 2 पे। तो मींस हमारा जो रिजल्टेंट आंसर है हमारा 5/2। अब इसको जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन तो आंसर भी हम मिक्स फ्रैक्शन में देंगे, तो मींस क्या आएगा हमारा 2 एंड 1/2 हैज द अदर्स नंबर, जो सेकंड नंबर है दूसरा नंबर क्या है हमारा 2 एंड 1/2। क्वेश्चन 5 है, बाय व्हाट नंबर शुड 8 एंड 2/3 बी मल्टीप्लाई टू गेट 104। मींस हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 104 हो, 8 एंड 2/3 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 104 आ जाए। तो मींस हमारे यहां से सीधा है कि 104 को डिवाइड करते हैं फिर हमारा नंबर आ जाएगा, तो मींस 104 डिवाइड 8 एंड 2/3। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारा 26/3। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मींस सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल 104 मल्टीप्लाई 26/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3/26। 104 26 की टेबल में आता है 4 नंबर पे, 4 और 3 की मल्टीप्लाई आएगी 12। तो मींस 12 को जब 8 एंड 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 104। क्वेश्चन 6 है हमारे, द कॉस्ट ऑफ 2 एंड 3/4 केजी एप्पल्स इन आरएस 132 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल्स। मींस 2 एंड 3/3 केजी एप्पल्स की प्राइस दी हुई है और 1 केजी एप्पल्स की पूछी है, तो मींस यहां पर डिवाइड का कांसेप्ट है। द कॉस्ट ऑफ 2 एंड 3/4
4 केजी एप्पल्स की कितनी है 132, the cost of 1 केजी एप्पल्स के लिए डिवाइड करेंगे 132 डिवाइड 2 एंड 3/4। यहां पे मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 132 डिवाइड 11/4। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल 11/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है 4/11। 132 मल्टीप्लाई 4/11। अब देखो 132 11 के टेबल से कट हो रहा है कितने पे 12 पर, 12 4 जा कितने होते हैं 48। द कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल्स की कितनी होगी 48। क्वेश्चन 7 है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस इन 2 and 2/3 आवर्स इन इज 162 किलोमीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 आवर। तो मींस डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 and 2/3 आवर्स में कितनी दे रखी है 162। 1 आवर्स के लिए पूछा है तो मींस यहां पे डिवाइड का कांसेप्ट है, 162 डिवाइड 2 and 2/3। तो मींस यहां पे ये जो सेकंड टर्म है ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 162 डिवाइड 8/3। 8/3 जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो मींस सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल 8/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3/8। 162 मल्टीप्लाई 3/8, 3 की मल्टीप्लाई मींस 3/8 जो 8 है ना, 8 के टेबल में 162 आता है किसने, वो मींस 8 के टेबल में नहीं, 8 और 162 दोनों एक टेबल से कट होते हैं। तो मींस कौन सी टेबल है हमारे 2 की टेबल, दोनों 2 की टेबल से कट होते हैं, 2 4 8 होता है और 2 की टेबल में 81 पे कट होता है। तो मींस हमारा आंसर कितना आ रहा है 243/4। तो मींस जब हमें क्वेश्चन में हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आंसर में भी मिक्स फ्रैक्शन में वो करेंगे, तो मींस हमारे जो 4 से 243 को डिवाइड करेंगे तो हमारा वो आएगा 16 and 3/4 किलोमीटर। Hence the डिस्टेंस कवर्ड बाय या बस इन 1 आवर कितनी होगी 16 and 3/4 किलोमीटर।